नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार पार्ट टू का ये वीडियो, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि एमएससी सेमेस्टर टू का केमिस्ट्री में जो पहला पेपर है 501, उसका सबसे पहले वाला यूनिट जो है, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन 1 आपके सामने रखा था वो भी बहुत महत्व का था, फिर एक बार पार्ट 2 के रूप में ये वीडियो जो मैं आपके सामने रखता हूँ उसमें एक और क्वेश्चन जो कि बहुत महत्व का है वो है, एक्सप्लेन पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स फॉर P1 एंड P2 स्टेट्स। दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन आपको समझाई, टर्म सिंबल जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका क्या महत्व है, और माइक्रो स्टेट्स क्या है, तो माइक्रो स्टेट्स के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी अगले वीडियो में दी है। अब इस वीडियो में थोड़ा हम थियोरेटिकल पार्ट को छोड़कर एग्जामिनेशन पार्ट में एंटर हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स फॉर P1 एंड P2। जैसा कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई अर्लियर स्लाइड एंड अर्लियर वीडियो पार्ट 1, दैट वॉज वॉट इज माइक्रो स्टेट्स। तो पी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन अनपैड होते हैं और उसमें पॉसिबल कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस होती है वो सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। अब इस वीडियो में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल होती है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रो स्टेट्स की गिनती हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि फॉर P1, यानी P1 में जो एक इलेक्ट्रॉन अनपैड है तो उसकी एज पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम किस तरह से करते हैं, और वो सभी अरेंजमेंट के लिए कितनी माइक्रो स्टेट्स हमें मिलती है। ठीक उसी तरह P2 यानी कि P ऑर्बिटल में जो कुल मिला के 3 सबसेल है, ये 3 सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर अनपैड हम अरेंज करते हैं तो पॉसिबल कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, और ये सारी अरेंजमेंट के लिए कितनी माइक्रो स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे सभी वीडियोस आप बहुत बहुत अच्छी तरह से लाइक करते हैं, बहुत बहुत वॉच करते हैं, उसी तरह से आज का ये वीडियो भी सेमेस्टर 2 के अभ्यास के लिए बहुत बहुत महत्व का है, पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत बहुत उसको देखिए, समझिए और स्टडी करने का प्रयास कीजिए। शुरू करता हूँ मोस्ट एम्पी क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉसिबल माइक्रोस्टेट फॉर P1 एंड P2 स्टेट। दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट, तो यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि माइक्रोस्टेट की जो कैलकुलेशन करनी है हमें, उस कैलकुलेशन का इक्वेशन क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ऐसा एक समीकरण है जिसके आधार पर हम कुल जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट पॉसिबल है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम माइक्रो स्टेट्स हमें कितनी मिलेगी उसका कैलकुलेशन कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो माइक्रो स्टेट्स ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हम गिनना चाहें तो उसकी गिनती हम दिस इक्वेशन के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट देखिए आप, n अपॉन r, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें n और r क्या है, तो जहां पर n इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने ये इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया है P1 एंड P2, तो बोथ द ऑर्बिटल्स आर पी। अगर हम पी ऑर्बिटल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो पी ऑर्बिटल के लिए उसमें सबसेल कितना है ना, उसमें सबसेल कितने हैं,
तो वो सबसेल जितने भी है उस सबसेल के लिए हमें दो के साथ गिनती करनी है, यानी कि उसका दुगना लेना है, है ना। n इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल, यानी कि सबसेल की संख्या तीन है तो हमें उसको दो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि छः करना है। एंड r क्या है, तो r इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल। सो अगर p में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ r की कीमत हम एक लेंगे, दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू है तो उसको हम दो लेंगे। तो उस हिसाब से हम कुल माइक्रोस्टेट की गिनती कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्टेट की संख्या दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम गिनती करना शुरू करते हैं, पहले हम शुरू करेंगे फॉर p1 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों p1 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि p1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे आप जानते हैं p का सबसेल तीन है, px py एंड pz, तो तीन सबसेल है। तो हम सबसेल के साथ दो मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर p के लिए हमें n बराबर 6 मिलेगा। देन r इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ वन लेना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि p में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा। तो हमें कुल माइक्रोस्टेट कितनी मिलेगी, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 6/1, ये पूरा मैट्रिक्स है दोस्तों, देखिए ये मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स की कीमत किस तरह से हम गिन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 तो 6 फैक्टोरियल, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन r फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r दैट इज 6-1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6×5×4×3×2×1, देन 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, देन 6-1 यानी कि 5, तो 5 फैक्टोरियल उसका मतलब है 5×4×3×2×1। तो यहाँ पर देखिए आप 5, 4, 3, 2, 1 है ना, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों है तो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बचता है सिर्फ 6 और यहाँ पर बचता है सिर्फ 1, यानी कि 6/1 = 6। तो हमें इस निश्चय की कीमत 6 जितनी मिलती है। दिस मैट्रिक्स विल गिव 6 माइक्रोस्टेट्स, ओके। तो p1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फॉर p1 कॉन्फ़िगरेशन देर आर 6 माइक्रोस्टेट्स। नेक्स्ट वन इज p2 कॉन्फ़िगरेशन। सो फॉर p2 कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आप जानते हैं p में अब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, हो सकते हैं px में एक, py में एक, जो मैंने अगली स्लाइड में पिछली स्लाइड में अरेंजमेंट्स आपको बताई थी। तो उस हिसाब से फिर से ये इक्वेशन हम रखते हैं, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 6 बनता है, फिर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो r इज इक्वल टू 2 बनेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6/2, तो ये डिवाइड नहीं करना है, लेकिन ये पूरा मैट्रिक्स है तो उसकी कीमत कितनी मिलेगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या होती है, 6 फैक्टोरियल यानी कि 6/5×4×3×2×1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2×2×1 इन ब्रैकेट 6-2, 6 n बराबर 6 है और r इज इक्वल टू 2 है, तो 6-2 = 4, 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4×3×2×1, ठीक है। अब 4 से लेके 4, 3, 2, 1 ये सब एक दूसरे को नाबूद करेंगे, तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों है तो वो चले जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ ऊपर बचता है 6×5 = 30 डिवाइडेड बाई 2×1 = 2, सो 30/2 विल गिव 15। सो 15 माइक्रोस्टेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय p2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुल माइक्रोस्टेट्स की संख्या हमें मिलती है 15 जितनी। तो दोस्तों ये दोनों बहुत महत्व के ऐसे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स जो माइक्रोस्टेट्स की गिनती के लिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ बहुत सारे वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा।
जरूर जरूर उसको बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस फॉर MSc सेमिस्टर 2।